आपका मेरे उत्तराखंड सीरीज के सेकंड एपिसोड में। और आज का मेरा सफर है कसार देवी का। एक बहुत ही सुंदर और ऑफ बीट सी जगह है ये उत्तराखंड में ही, मेरी पर्सनल फेवरेट है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ के बारे में और बहुत सारे रीजंस के कारण भी ये जगह फेमस है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मत करना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे उत्तराखंड सीरीज़ का जो पहला एपिसोड है, जो नैनीताल पे वीडियो बनाई थी मैंने, वो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कसार देवी जाने के लिए सबसे पहले आपको अल्मोड़ा जाना होगा। और अगर आप नैनीताल घूमने आए हैं तो वहाँ से भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नैनीताल से कसार देवी। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तो काठगोदाम का है, वहाँ से आपको पर्सनल टैक्सी या फिर शेयरिंग टैक्सी या फिर गवर्नमेंट बसेस मिल जाएंगी ईजिली। काठगोदाम से अल्मोड़ा का डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स का है और थ्रू आउट द जर्नी आपको अमेजिंग व्यू देखने को मिलेंगे कि हिली एरिया है पूरा, और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है तो 3:30 से पहुँच जाएंगे। एक बार आप अल्मोड़ा पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको वहां से फिर से शेयरिंग टैक्सी करेगी, क्योंकि कसार देवी अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर और ऊपर है। तो शेयरिंग टैक्सी 60 रुपीज़ आपसे लेगी और आधे घंटे में आपको कसार देवी पहुंचा देगी। हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी जिस दिन हम पहुंचे थे कसार देवी। उस दिन हो रही थी वहां बारिश और बारिश के साथ साथ ओले गिर रहे थे। मतलब हम गर्मी के मौसम में आए हुए हैं और ऐसी बारिश हो रही है, मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रखा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें तो। और धीरे धीरे बारिश वैसे रुक गई थी, लेकिन आप देख सकते हो कि बादल आ रखे हैं, धुंध हो रखी थी पहाड़ों पे, बढ़िया मज़ा आ रहा था। अगले दिन मौसम साफ था, पहाड़ दिख रहे थे, आसमान भी साफ था। और यहाँ पर मैं अपने एक दोस्त के साथ आया हूँ कसार देवी में, और एक महीने का स्टे है हमारा यहाँ पे। जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कसार देवी टेम्पल से 2 किलोमीटर और आगे है। जिस जगह पे हमारी प्रॉपर्टी है, इस जगह का नाम है मटेना विलेज। तो जैसा आज वेदर अच्छा हो रखा था तो हमने इस नज़ारों को इन्जॉय करते हुए चलेंगे। वैसे यहाँ पर इजीली स्कूटी रेंट पे मिल जाती है, 500 पर डे के कॉस्ट पे आप ले सकते हैं और घूम सकते हैं। तो दौड़ से रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत कर लेते हैं। क्या नाम बताया आपने इसका? हशियालू। हशियालू दिखाना। रास्ते में हमें एक आंटी मिली जो ना कुछ तोड़ रही थी रोड के किनारे, जो पेड़ खड़े हुए थे उनसे एक फ्रूट तोड़ रही थी। हमने पूछा तो उन्होंने बताया हसियालू कहते हैं इसे, और खट्टे मीठे थे टेस्ट में। इन्होंने हमें बहुत सारे तोड़ के भी दिए, हमने खाए, काफ़ी टेस्टी लगे। बाद में मैंने सर्च किया था तो हिमालयन रास्बेरी थे ये। बाकी ये सारी चीज़ें इन्जॉय करते हुए हम फाइनली कसार देवी टेम्पल के एंट्रेंस पे पहुँचे। और आसपास में ना काफ़ी सारी जगह है, यहाँ पे जू है, नंदा देवी टेम्पल है, तो वो सारी जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी बंदर बहुत हैं यहाँ पर, आप वैसे तो कुछ कहते नहीं हैं ये, लेकिन इन्हें छेड़े ना, हाँ अपना मोबाइल वगैरह ध्यान से रखें, और अगर आप इन्हें कुछ खाने का दे सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ से जो गेट देख रहे हो वहाँ से हमने एंट्री की थी, तो थोड़ी ऊंचाई पे तो है ही, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब अपनी व्हीकल है तो आप अपनी व्हीकल से आ सकते हैं ऊपर तक, और फिर पार्क हो जाएगी और फिर आप मंदिर जा सकते हैं। और यहाँ पर बीच बीच में देवी मंदिर आते हैं दर्शन करने के लिए, पंडित जी से कह के उस आकृति के दर्शन भी आप कर सकते हैं। और बहुत पहले यहाँ पर मंदिर नहीं हुआ करता था, उस चट्टान की ही पूजा होती थी। फिर आगे चलकर मंदिर बनाया गया और यहाँ पर दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की गई। यहाँ पर कसार देवी मंदिर के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं, तो आप वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। कसार देवी मंदिर से 100-150 मीटर और ऊपर एक शिवजी का मंदिर भी है, जहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। हमने यहाँ पे 2-3 घंटे का टाइम स्पेंड किया, बहुत ही पॉजिटिव वाइब है इस जगह की। कसार देवी एक चीज़ के लिए और भी फेमस है, पूरी दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। इंडिया में कसार देवी, स्टोनहेंज इंग्लैंड में, और माचू पेचू पेरू में।
इस क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है कॉस्मिक रेज और सोलर विंड के थ्रू। ये पूरा क्षेत्र जो है वैन एलन बेल्ट के प्रभाव में आता है, और इस चीज़ को नासा ने भी कंसिडर किया है कि इसकी वजह से यहाँ पे कुछ अलग एक एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर आप यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपको उस एनर्जी का एहसास होता है और आपका जो माइंड है वो काफ़ी अच्छे से रिलैक्स हो पाता है। यहाँ पर काफ़ी वेल नोन लोग भी आ चुके हैं जिन्होंने सालों साल यहाँ पर बिताए हैं। उनमें से एक हैं स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने यहाँ पर आने के बाद ज्ञान की प्राप्ति की थी। हमने भी यहाँ पर काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया, हम भी यहाँ पर ध्यान लगाने की हमने कोशिश की, तो यहाँ पर आएँ, थोड़ा ध्यान लगाएं, कुछ चीज़ों की प्राप्ति करें, आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा कसार देवी का छोटा सा सफ़र। अगर